السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشَر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد

आज हम लोग जिसवान के तहत कुरान सुन्नत की रोशनी में कुछ बातें सुनने वाले हैं वो हैं मुसीबतों का मुकाबला कैसे करें जैसा कि पिछले दो हफ़्ते भी मैं इसी उनवान के तहत कुछ बातें आप लोगों को सुनाया था मुसीबतें आती हैं तो हमें क्या करना है मुसीबतें आने से पहले करने के क्या क्या काम हैं वो सब मैं आप लोगों के सामने रखा तो आज मुसीबतें आने के बाद हमारी सोच क्या होना हमारा अमल क्या होना मुसीबतें आने के बाद हमें करने का काम क्या है देखिए मुसीबतें हर इंसान के साथ हैं चाहे अमीर हो गरीब हो फखिर हो किसी भी मुल्क का किसी भी ज़ुबान का जानने वाला बोलने वाला हर एक के साथ मुसीबतें लेकिन ये जो उनवान है असल में मैं शुरू से आप लोगों को बोलते आ रहा हूँ अगर ये अच्छी तरह याद रहें तो हर एक के लिए उन मुसीबतों के आने के बाद उन परेशानियों के आने के बाद या फिर आने से पहले करने वाले बड़ी अहम बातें आप लोगों को मालूम होगी और अगर इन बातों को याद रख के इस पर अमल करेंगे ना कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए जिंदगी सुकून से गुजरेगी जिंदगी में टेंशंस तकलीफें रोना धोना जजा फजा करना और बहुत सारा अपने आप को नुकसान करना अपने घर वालों का नुकसान करना ये तमाम चीज़ें खत्म हो सकती हैं मुसीबतें हर एक के साथ है लेकिन मुसीबतों को आप ले रहे कैसा उन मुसीबतों के आने की वजह से आप और ज़्यादा बीमार परेशान और ज़्यादा उस मुसीबत की वजह से और चार मुसीबतों को मोल ले रहे या फिर उन मुसीबतों के पहाड़ होने के बावजूद भी अच्छी सोच के साथ उन मुसीबतों को ख़त्म करने उन मुसीबतों से बचने की कोशिश करते हुए चन व सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे ये आपके पास है कि इस इसवान को सुनने के बाद आप क्या करने वाले हैं इसीलिए मैं ये उनवान आप लोगों के सामने तफसील से रख रह रहा हूँ तो इसकी अहमियत तो इसकी अहमियत जानते हुए आप अच्छी तरह इन बातों को समझने की कोशिश करें हर एक के साथ टेंशनस है परेशानियाँ हैं तकलीफ़ें हैं बीमारी की भी हो सकती हैं या फिर कर्जों की हो सकती हैं या फिर माल के कमी की गरीबी की हो सकती है या दुश्मनों के डर की परेशानी हो सकती है या रिश्तेदारों की तरफ से तकलीफ़ें आती हैं वो तकलीफ़ें हो सकती हैं या घरेलू झगड़े मुसीबतें परेशानियाँ ये हो सकती हैं या फिर बच्चों के बीमार होने खुद के बीमार होने की ये मुसीबतें ये परेशानियाँ हो सकती हैं ज़िंदगी में कई तरह की मुसीबतें हैं लेकिन उन तमाम मुसीबतों के होते हुए मेरी सोच कैसी रहना और उन मुसीबतों से बचने का तरीक़ा क्या है ये आज मैं आप लोगों के सामने सुनाने वाला हूँ देखिए आज अक्सर लोग मुसीबतों के आने के बाद परेशानियों के आफात के आने के बाद टेंशन का शिकार हो जाते हैं डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो उन मुसीबतों को झेल ना सके इसलिए खुदकुशी करके मर जाते हैं उन मुसीबतों को झेलने के बजाय उन मुसीबतों में इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब उनके लिए एक ही रास्ता बचता है हाँ भाई अब चलो मर जाओ खुदकुशी कर लो अब मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं है मुसीबतों से निकलने का अब जितने भी लोग खुदकुशी करके मर जाते हैं उनके पास कोई ना कोई मुसीबत कोई ना कोई वजह कोई ना कोई परेशानी की एक वजह रहती है हाँ भाई फलां परेशानी थी इसको कर्जे ज्यादा थे इसको सास सता रही थी इसको भाव सता रही थी इसको पड़ोसी सता रहे थे इसको जिंदगी में क्या है बेसुखनी इसको बीमारी थी फ़लां फलां वजह है इसलिए वो आखिर में ख़ुदकुशी करके मर गया अगर इन ख़ुदकुशियों से अगर इन अपने आप को नुकसान करने वाले आमाल से इन कामों से बचना चाहते हो तो इस इस टॉपिक को इस इसवान को अहम समझते हुए इसको ग़ौर से सुनने की आप लोगों को ज़रूरत है तो बहरहाल सबसे पहली चीज़ मुसीबतें आने के बाद हमें क्या करना है देखिए सबसे पहले हमारी सोच ये हो मुसीबतें तो आना ही आना है बड़ी अहम बात है इसको समझने की कोशिश करो मुसीबतें किसी ना किसी तरह आना ही आना है हमारी सोच यह होना हमेशा मुसलमानों की हम क्या समझते हैं कि नहीं भी मुसीबतें मेरे ऊपर क्यों आई हम समझते हैं कि मैं तो नमाज पढ़ता हूं मेरे ऊपर मुसीबतें क्यों आई मैं तो मुसलमान हूं मेरे ऊपर क्यों मुसीबतें आई मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता मेरे ऊपर क्यों मुसीबतें आती नहीं 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 मुसीबतें आना ही आना है मैं इंसान हूं मैं इस दुनिया में जिंदगी गुजार हूं इसका मतलब मेरे ऊपर मुसीबतें आना ही आना है आज नहीं तो कल बस इसके लिए पहले से तैयार रहो अल्लाह तआला ने बता दिया सूरा बकरा आयत नंबर 155, 156 वला नबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफी वल जूई वनक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी वत्तमरात वबशिरिस सबिरीन अल्लास मुसीबा कलू वाज क्या कहा अल्ला और हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आज़माश ज़रूर करेंगे दुश्मन के डर से भूख प्यास से मालो जान और फलों की कमी से और इन सबर करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए जिन्हें जब कभी कोई मुसीबत आती है तो कह दिया करते हैं कि हम तो खुद अल्लाह तला की मिलकियत है और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं देखो अल्लाह ताला यहाँ पर पहले बता दिया कि हम तुम्हारी जरूर आज़माइश करेंगे तुम्हारे ऊपर ज़रूर मुसीबतें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, तकलीफें आएंगी, कैसी कैसी आएंगी अल्लाह वो भी बता दिया कभी गरीबी आ सकती कभी भूख प्यास की वजह से मुसीबतें आ सकती कभी दुश्मनों का डर तुम्हें सताता कभी माल में जान में बीमारियों में ये तमाम चीज़ों की वजह से तुम्हारे ऊपर मुसीबतें जरूर आएंगी अल्लाह ताला आजमाता तो ऐसे हालत में क्या करना सबर करो सबर करने वालों को खुशखबरी दे दो अल्लाह ताला बोल दिया फिर उसके बाद जब भी उनके ऊपर यानी जो सबर करने वाले हैं उनके ऊपर मुसीबत आते हैं तो क्या बोलते इन्ना व इन्ना इलैहि हुआ तो इस बात से हम लोगों को एक अहम बात यह भी मालूम है यहां पर अल्लाह सिखाया जब भी मुसीबत आए तो हमें क्या बोलना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हमारे पास मुसीबत बोले तो खाली कोई मर गए तो मुसीबत समझते इसलिए कोई मर गए बोले तो बोल देते इन्ना वा इन्ना लिल्लाहि व इलैहि राजिऊन वो भी बहुत कम लोग हम बोल देते मर गए बोले तो इन खुद आधे मर जाते हैरान और परेशान होकर नहीं कोई भी मर गया खुद सगा बेटा मर गया भाई मर गया पहले हमारी जुबान से एक कलमा निकले <ifiío Direct> <zombi> इन्ना लीला व इन्ना इले राजिऊन राज तर्जुमा क्या होगा उसका हम खुद अल्लाह की मिलकियत है और हमें अल्लाह ही की तरफ लौटना है तो ये हर मुसीबत के वक़्त हैं बच्चा एग्जाम में फेल हो गया बच्चा गिर गया बच्चा रो रहा कम से कम खाली घर में लाइट भी चले गई या कोई फोन करके बोल दिया अजी तुम्हारे को मालूम क्या उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट हुए कथे अजी तुम्हारे को मालूम तुम्हारे भाई उनको हार्ट अटैक आया कहते तुम्हारे शौहर वहां पर क्या है गिर गए कथे इसी तरह तुम्हारे खाला तुम्हारे दादी तुम्हारे सास तुम्हारी बहन तुम्हारे अम्मी अचानक जो है सो गिर गए थे क्या करना है सबसे पहले इन्ना, इन्ना राजू अगर तुम्हारे अम्मी गिर गए बोल के पढ़ दिए समझो क्या हो जाता मरे नहीं जी अभी खाली गिरे हम लोग हैं मरे तो पढ़ने की दुआ नहीं होती है हर मुसीबत के वक्त पढ़ने की दुआ है याद रखो ठीक है तो चलो पहली चीज तो ये मालूम हुई अल्लाह ताला ने इस आयत में बता दिया कि मुसीबतें आना ही आना है अल्लाह यह आयत में ये जो मुसीबतों के ताल्लुक से ज़िक्र किया ना क्यों क्योंकि इसमें हिकमत ये है जब वो आजमाइश आ जाए या वो मुसीबत आ जाए तो पहले से अपने आप को और अपने नफ्स को सबर करने के खातिर तैयार कर लो अल्लाह पहले से बता दिया इसलिए कि तुम वो परेशानी आने से पहले अपने आप को तैयार कर लो और बर्दाश्त करने में तुम्हारे लिए आसानी होगी जब हमें मालूम होगा हम इस यकीन इस आखीदे के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे हाँ भाई ज़िंदगी है मुसीबतें तो आती परेशानियां तो आती मेरा बच्चा है गिर भी सकता मर भी सकता मेरा शोहर है हाँ बीमार भी हो सकता मैं ही हूँ बीमार भी हो सकता मर भी सकता मेरी बीवी है रह भी सकती मर भी सकती है तमाम चीज़ें अगर पहले से आपको मालूम हो तो फिर आपके लिए सब्र करने में आसानी होगी आपके नफ्स को तैयार करने के लिए अल्लाह ताला ने पहले से बता दिया फिर इसी तरह अल्लाह ने इस मुसीबत के आने से पहले तुम्हें खबर दी क्यों खबर दिया ताकि अपनी जानों को तैयार कर लो और बयान करदा खबर के मुताबिक उसे देखने पर उसके यकीन में और इजाफा हो जाए हाँ अल्लाह ने सच कहा पहले से मुसीबतें परेशानियाँ आती बोल के अल्लाह ताला पहले बोल दिया यकीन और ज्यादा हो और वो ये समझ ले कि इस मुसीबत का आना मेरे लिए आसानी सी बात है और अचानक आने से परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े ये असल हकीकत है इस हकीकत को नहीं समझने की वजह से बहुत सारे लोग खाली बच्चा गिर गया बोले तो हाँ मेरा बच्चा ये गिर जाते हैं इनको सबसे पहले शेरिक करना पड़ता हॉस्पिटल इन्होंने रोना शुरू कर अरे गिरा भाई खाली नहीं फोन आ करके उसको क्या बड़ी कहानी कितनी की मोहब्बत है बच्चे को ऐसा हो गया कि इनका बच्चा गिरना च नहीं माँ बहुत परेशान होती तीन दिन से खाना नहीं खाई पांच दिन से हैबत में है परेशानी में है बेचारी को नींद नहीं आती है उसका बच्चा गिर गया बल्कि इसको कितनी मोहब्बत है कि यह इस्लाम के खिलाफ है याखिदा याद रखो ये अखीदा इस्लामी नहीं होता कि मेरा बच्चा गिर गया तो मैं बीमार हो जाऊँ मेरी नींद हराम हो जाए मैं खाना खाना पीना बंद कर दूँ और लोगों को बोलते हुए सारा दिन रो रो के रो रो के अरे बच्चा क्या भाई रिश्तेदारों में कोई भी मर गया बोले तो सबसे ज़्यादा इनोच रोते हुए बैठते रिश्तेदारों में कोई भी बीमार हो गया बोले तो इन्हों सबसे ज़्यादा क्यों बोले तो मेरी तारीफ़ होना ना इनको अरे बहुत नाजुक मिजाज के है जी इनको जल्दी नहीं बोलना कौन सी भी बात रहते ना औरतें थोड़े ऐसे बहुत नाजुक मिजाज के हैं इन्हों बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं इनको बहुत मोहब्बत है हर छोटी बात पे इनको रोना आता है इसलिए इनको नहीं बोलना इनको छुपा के रखो हौज बिल्ला नहीं।, नहीं नहीं हमारे सहाबियात ऐसी नहीं थी हमारा इस्लाम ये तरबियत यह तरीका नहीं सिखाता हमारे सहाबियात तो यह बोलती थी शोहर मर गया कोई मसला नहीं मेरे नबी अलैहि वसल्लम कैसे हैं ये बोलने वाली हमारी साबियत शोहर भी गया अभी भाई भी गया भाई का भी इंतकाल हो गया शहीद हो गया कोई मसला नहीं मेरे नबी सलामत है क्या तुम्हारा बेटा भी कतल कर दिया गया शहीद हो गया कोई मसला नहीं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं चारों के चारों बेटे मर गए जब मालूम हुआ खनसा रजी अल्लाह तआला ने फौरन हाथ उठा के अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जुबान हाँ से अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए हाथ उठा के अल्लाह ताली से दुआ कर रही अल्लाह मेरे पास जो कुछ भी था अल्लाह तेरी राह में मैं कुर्बान कर दी मेरे पास जो कुछ भी था अल्लाह मई तेरी राह में तेरे दीन के लिए कुर्बान कर दिया यानी मेरे पास सिर्फ चार बेटे थे चारों बेटों को अल्लाह तेरे दीन के लिए लगा दी चारों के चारों शहीद हो गए अल्लाह अगर इनकी शहादत कबूल हो गई कल कयामत के दिन मेरे बेटों के साथ मुझे भी जन्नत में ले चल बोल के दुआ करी यह मुसलमान औरत यह है एक हिम्मत वाली औरत यह एक मोमिना आइडियल हमारे लिए हाँ मेरा बेटा कैसे मर गया बोल के रोते हुए इन्हों खुद बीमार होके इनको हॉस्पिटल में शरीक करने की जरूरत नहीं पड़ती थी याद रखो ऐसी बनना है आजमाओं को एक गया कोई परवाह नहीं दूसरे को भी भेजती हुई अल्लाह के लिए जीना है अल्लाह के लिए मरना है दुनिया है दुनिया में मुझे अल्लाह ताला औलाद दिया भाइयों को दिया बीवियों को दिया शोहरों को दिया, जो भी जिसको भी दिया उसको भी मरना है मुझे भी मरना है उसको भी बीमारी आती मेरे को भी बीमारी आती तो क्या हुआ आज पैसा है कल खत्म हो सकता आज अच्छा है कल एक्सीडेंट हो सकता कुछ भी हो सकता तो इस वजह से अल्लाह ताला पहले से बता दिया इन आयतों में तुम्हारी आजमाइश होगी तो उन आजमाइश में तुम क्या करते पहले से तैयार करके रखो अपने आप को याद रखो वरना एक मर गया तो घर के चार चारदमियाँ बीमार इनको सबको लेके जाके हॉस्पिटल में शरीक करना पड़ा गलत है मसला यह मुसलमानों का तरीक़ा नहीं होता तो मुसीबतें आना ही आना है पहले से याद रख घर में झगड़े नहीं होना घर में परेशानियाँ नहीं होना कब भी लड़ाइयों नहीं होना सुकून की जिंदगी मेरी रहना मैं कितना की सोची थी अच्छा रहती बोल के बहुत खुशी मिलती बोल के लेकिन मेरे को अब ऐसा कैसा हो गया नहीं अम्मा तेरी हमेशा की खुशी जन्नत में है ये दुनिया है तो यहां पर परेशानी आना ही आना है ये होना ही होना है हम समझते नहीं दुनिया में भी सुकून की जिंदगी रहना और आखिरत में भी सुकून से जन्नत में जाना नहीं हो सकता फिर नहीं हो सकता परेशानी कैसे भी आ सकती किसी की भी शक्ल में आ सकती जालिम शोहर मिलता जुल्म करने वाला शोहर मिलता या फिर सास जुल्म करने वाली मिलती है या कुछ तो भी होता कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े कुछ ना कुछ होते नहीं मैं शादी से पहले बहुत उम्मीदें रखी थी मेरे को ऐसा कैसा हो गया मेरे को ऐसा कैसा हो गया ये सोच सोच के इन्हें बीमार हो जा रही है नहीं शादी के बाद सुकून की जिंदगी मिलती अल्लाह ताला कहीं भी नहीं बोला तुम्हारे को सुकून की जिंदगी मिलती बोल के हो सकता है किसी को थोड़े दिन सुकून मिलता होगा उसके बाद उसको परेशानी आते होंगे तुम्हारे को पहले सुकून मिलता होगा बाद में परेशानी आते होंगे किसी ना किसी शक्ल में परेशानियां आती अल्लाह ताला सूरह बकरा में वाजे कर दिया इसलिए पहले से तैयार रहो उन परेशानियों का कैसे आप मुकाबला करेंगे राइट पहली चीज अब दूसरी चीज देखो हर चीज़ अल्लाह की मिल्कियत होने और उसी की तरफ लौटने का एतक होना जैसा कि इसी सूर्य बकरा के आयर वन फिफ्टी सिक्स में अल्लाह तला ने क्या कहा जिन्हें जब कोई मुसीबत आती है पहुंचती है तो क्या कहते हैं इन्ना लाही व इन्ना जन मतलब क्या है इसका हम तो खुद अल्लाह ही की मिल्कियत है और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं मतलब मेरे को अल्लाह औलाद दिया अल्लाह की तरफ से मिला और अल्लाह ले लेने वाला है पहले से यकीन होना अल्लाह मेरे को सेहत दिया अल्लाह ले, ले लेता अल्लाह मेरे को आँख दिया आँख में बीमारी देता हूँ अल्लाह ले लेता हूँ अल्लाह मेरे को माल दिया मेरा माल छीनने वाला भी अल्लाह तो जो मुझे मिला मेरे शौहर अल्लाह दिया अल्लाह ले लेता हूँगा तो हर चीज़ अल्लाह की दी हुई है और अल्लाह की तरफ हमें लौटना है ये हम लोगों को पहले से यकीन होना और ऐसा आकीदा रहना यह आकीदा किसी भी चीज़ के छिन जाने या उसे महरूम होने पर परेशान होने या जजा फजा करने की गुंजाइश रहने नहीं देता जब अगर किसी का ये यकीन हो अल्लाह दिया अल्लाह ले लिया तो फिर वो उतना ज़्यादा परेशान नहीं होता उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेता नहीं ऐसा कैसा हुआ जो रोने वाले रोते ना अल्लाह तो इंसाफ नहीं करा अल्लाह मेरे बच्चे कुछ कहीं को ले लिया अल्लाह मेरे शौहरच मिले क्या अल्लाह मेरा घर च मिला क्या ये बातें वो औरत नहीं बोल सकती वो मर्द नहीं बोल सकता जिसका ये आकीदा हो कि अल्लाह ने दिया अल्लाह ने ले लिया लेना ही लेना है अल्लाह तला को याद रखो ये यकीन होना इसलिए किसी भी चीज़ के छिन जाने पर इतना ज़्यादा परेशान नहीं होता इंसान अगर ये यक़ीन हो कि अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह की तरफ ही हमें जाना है क्योंकि हमसे कोई भी चीज़ लेने वाला अल्लाह ही तो उसका मालिक है और मालिक को यह हक होता है कि वो अपनी चीज़ में जब चाहे जैसे चाहे ले ले आप मालिक है भाई आप अगर किसी चीज़ के मालिक हैं अगर आपके पास एक दस हज़ार रुपया है समझो आप दस हजार रुपये के मालिक हैं, अब आपकी मर्जी आप जाके बाज़ार में सदखा करते खैरात करते कपड़े खरीद लेते या फिर आप कोई और शॉपिंग कर लेते आप जाके होटल में खाना खाते आपकी मर्ज़ी जब दस हज़ार आपके है तो आप जैसे चाहे खर्च कर लेते आप मालिक हैं तो इसी तरह अल्लाह ताला हमारा मालिक है हर चीज़ को देने वाला वही है तो फिर वो मालिक है उसकी मर्जी जब चाहे मेरे बेटे को ले ले जब चाहे मेरे हाथ को ले ले जब चाहे मेरे आंख को ले ले जब चाहे मुझे ले ले उसकी मर्जी है ना तो मालिक पर हम ऐतराज नहीं कर सकते अल्लाह तू कैसा लिया नहीं 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 बहुत बड़ी गलत अल्लाह तू क्यों लिया हम ये सवाल नहीं कर सकते अल्लाह दिया अल्लाह ले लेता ठीक है ना फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी मुसलमान को कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो कहता है इन्ना लाही वाहि राजिऊन जब कोई इन्ना लाही व इन्ना राज कहता है तो अल्लाह ताला उस मुसीबत पर उसे सवाब देता उससे बेहतरीन बदला भी अता करता इब्न माजा की रिवायत अल्लाह देखो अगर हम इन्ना लाही व इन्ना राज पढ़ेंगे तो अल्लाह एक तो सवाब भी देता और उसके बदले में उससे बेहतर चीज देता एक बच्चा मर गया इन्ना लीला पढ़ लिए और सब्र कर रही है अल्लाह हो सकता है उससे और अच्छा बच्चा दे एक चीज छिन गई अल्लाह उससे और अच्छा बदला दे किसी और शक्ल में ख़ुशी दे दे आज एक गम दिया गम पर आप इन्ना लाला पढ़ लिए शिकवे शिकायतें नहीं करें उसके बाद अल्लाह ताला एक और ख़ुशी देता समझ रहे हैं ना इसलिए छोटी छोटी बातों पर गम परेशान तकलीफ़ और अपने आप को नुकसान कर लेना और इसी तरह ये शिरकी जुमले कहना ये तो बहुत बड़ा गुनाह है बहुत बड़ा गुनाह है इससे बचने की ज़रूरत है ठीक है अच्छा चलो उसके बाद क्या हुआ तीसरी चीज़ मुसीबतें सिर्फ अज़न इलाही से आने का एत रखना मतलब क्या है मुसीबतें अल्लाह के हुक्म से आती हैं किसी के करने से नहीं किसी के देखने से नहीं किसी के और कुछ कोशिशों से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से मुसीबतें उतरती है ये हमारा अहिदा होना कैसे अल्लाह ताला कहता है सुरहदी आयत नंबर बाईस में माँबा मुसीबत वलाफ़ी फसिकम्लाफी किताब कबिल्नबराहा यु मुसीबत दुनिया में आती है ना ख़ास तुम्हारी जानों में मगर उससे पहले कि हम उसको पैदा करें वो एक ख़ास किताब में लिखी हुई है ये काम अल्लाह ताला पर बिल्कुल आसान है ताकि तुम अपने से फ़ौजशुदा किसी चीज़ पर रंजीदा ना हो जाया करो और ना अता करदा चीज़ पर इतरा जाओ और इतराने वाले शेखी खोरों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है देखो अल्लाह कितना अच्छा समझाया हम लोगों को इस आयत में अल्लाह ताला कहता है कोई भी मुसीबत दुनिया में आती है या फिर तुम्हारे जानों में कोई भी तकलीफ कोई भी परेशानी आती है अल्लाह ताला इससे पहले उसे लिख दिया तुम्हारी तकदीर में है अल्लाह ताला लिखा तभी तो वो परेशानी वो मुसीबत तुम्हारे ऊपर आई फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहता है तुम्हारे फौज शुदा यानी अगर कोई मर गए तो तुम उस पर रंज और गम और इसी तरह यानी कोई भी तकलीफ आप महसूस करते हो तो किसी के ख़त्म होने पर बहुत ज़्यादा रंज और गम होने या फिर कोई चीज़ मिलने पर बहुत ज़्यादा इतराना ये दो भी चीज़ें गलत है बोल रहा तहब मुसीबत आए तो शिकवे शिकायतें करना ये भी गलत है और फिर खुशी मिले तो इतराना अकड़ना मेरे पास इतना है मैं मै करोड़पतु पा तो मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ियां हैं मेरे पास ऐसे जेवर है मेरे पास ऐसे, मेरे पास ऐसे कपड़े हैं इतराना अल्लाह ताला फरमाता है इतराने वाले शेखी कौरों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता तो इससे क्या मालूम हुआ इस आयत से मुसीबतें अल्लाह के हुक्म से आती हैं हम क्या समझते हैं कि नहीं भाई सुबह उठ के फला बेवा औरत को देखा इसकी वजह से मुसीबत आई है काली बिल्ली को देख लिया इस वजह से मेरे को कोई नुकसान हुआ कबा पुकारा तो कुछ तो भी हो गया फिर इसी तरह हम बहुत सारे घरों में देखते हैं कि आज लड़ाइयाँ और झगड़ों की एक बहुत बड़ी वजह हम जो भी मुसीबत आती है उसका इल्ज़ाम किसी ना किसी के ऊपर लगाते हैं अच्छा रिश्ता आया था जी इनकी वजह से चले गया शादी होने के बाद भी मरे तक घर में कुछ औरतें ये बातें बोलते हुए रहती शोहर से जब भी शोहर से झगड़ा होता तुम्हारे से अच्छा रिश्ता आया था मेरे को समझ रहे फलां की वजह से वो रिश्ता नहीं हुआ तुम मिल गए मेरे को समझ रहे ना तो ये नहीं होना ये नहीं होना अल्लाह ताला लिखा तकदीर में इसलिए वो रिश्ता मिल गया बस अब सबर करते हैं सुधारने की कोशिश करते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने की कोशिश करते हैं, आपके पास है, नहीं होता सबर बहुत ज्यादा जालिम है बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो फिर आप अलग रास्ता ढूंढ लेते हैं अपना वो आपकी मर्जी लेकिन अल्लाह ताला ने लिखा किसी के लगाने से नहीं हुआ किसी के बोलने से नहीं हुआ अल्लाह ताला जो लिखा वो हुआ बस अल्हम्दुलिल्लाह समझ रहे हैं गा? तो ये हम लोगों को हमेशा सोचना चाहिए हमारे जहन में हमेशा ये बात रहना जब ये चीज हमारा तकदीर पर जब यकीन ऐसा हो जाएगा ना बड़े से बड़ी मुसीबत बड़े से बड़ी परेशानी छोटी छोटी नजर आती छोटी सी छोटी नजर आती चाहे वह घर के झगड़े हो चाहे रिश्तों का मिलना हो रिश्तों का जुड़ना हो या गरीबी हो या फिर कौन सी भी चीज़ मेरी फला बात नहीं माने इसलिए तुम्हारे को ऐसा हुआ मेरा मशवरा नहीं सुने इसलिए ऐसा हुआ तुम्हारे से पहले इतना अच्छा रिश्ता आया था तुम्हारे से पहले इन्हों देख के गए थे उनो बोल के गए थे मेरी बच्ची को मियामी बी भी, भी, भी लड़ लेते रहते नहीं जी तुम बोलने से वो रिश्ता मिला नहीं तो उससे पहले मैं देखी थी ना वो रिश्ता कितना अच्छा था नहीं नहीं तकदीर में अल्लाह तला ने जो लिखा वो हुआ अलहमद तकदीर में मेरी शादी किसके साथ लिखा उसके साथ हो गई कैसे बच्चे लिखा कब बच्चे होना लिखा जब हो गए अलहमद कब बीमारी लिखा जब हो गए अलहमद होने के बाद ऐसा कैसा हुआ ऐसा नहीं करे तो अच्छा था वैसा नहीं बोले तो अच्छा था यहाँ नहीं गए तो अच्छा था इनकी बात नहीं माने तो अच्छा था उनकी बात माने तो अच्छा था ये सब गलत अकीदा है याद रखो तो बहरहाल मुसीबतें अल्लाह की तरफ से खुशी भी अल्लाह की तरफ से मिलती है उसके बाद चौथी चीज़ मुसीबतों में भी खैर के होने की उम्मीद रखना अच्छा ये चौथी चीज़ बोलने से पहले मैं आप लोगों को एक और हदीस सुनाता हूँ सही मुस्लिम की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम में से कोई किसी को मुसीबत पहुंचती है तो ये ना कहें मैं ऐसा करता तो ऐसा होता बल्कि ये कहो कि अल्लाह की तकदीर है जो चाहा हो गया हदीस भी है ये सही मुस्लिम अल्लाह के वसल्लम ने भी मना करे कोई भी मुसीबत परेशानी आने के बाद यह मत बोलो मैं ऐसा करे तो ऐसा होता था मैं ऐसा करना था मैं ऐसा क्यों करी कि मैं ऐसा क्यों करा कि ऐसा क्यों बोला कि यह सब ऐसा मत बोलो ऐसा मत बोलो अल्लाह ताला ने जो लिखा वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अब चौथी चीज मुसीबतों तो में खैर के होने की उम्मीद रखना कैसे सूर्य बकरा आयत नंबर 216 अल्लाह ताला कहता है कुतिबा अलैकुमुल क़िताल कितालु हुवा कुरहुल लकुम व आसा अन अं तकरहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम व अन अं तुहिब्बु शैअन व हुवा लकुम वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तअलमून बड़ी अहम आयत है आप हमेशा याद रख लेना अपनी ज़िंदगी के परेशानियाँ टेंशन गम तकलीफ़ें दूर कर लेना बोले तो ये बड़ी अहम अहम आयतें हैं अल्लाह ताला जैसा समझाता ना दुनिया में कोई और हमें नहीं समझाता याद रखो इसलिए अल्लाह की बातों को याद रखो सूर्य बकरा आयत नंबर दो सौ सोलह में अल्लाह कितनी बेहतरीन बात बोला अगर ये आयत हमें याद रहे ना ये आयत याद रहे ना ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबतें आए लेकिन दिल को सुकून रहता है इन कौन सी आयत तर्जुमा क्या है उसका मुमकिन है कि तुम किसी चीज को बुरी जानो और दरअसल वही तुम्हारे लिए भली हो और यह भी मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को अच्छी समझो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो हकी इला ही अल्लाही को है तुम महज बेखबर हो क्या समझ में आया बात क्या समझ में आई बात अल्लाह इतनी बेहतरीन बात बोला कि तुम किसी चीज़ को बुरी समझो हो सकता है वही तुम्हारे हक में बेहतर हो और तुम किसी चीज़ को अच्छी समझते हो, हो सकता है वो तुम्हारे लिए बुरी हो नुकसान वाली हो असल इल्म तो अल्लाह के पास है तुम्हें नहीं मालूम अल्लाह अकबर जब भी लड़ाई जब भी घर में लड़ाई हो जब भी घर में झगड़ा हो जब भी कोई बीमारी हो जब भी कोई मुसीबत हो तकलीफ हो रंज हो गम हो उस वक्त मैं ये एक आयत अगर याद कर लूँ कहूँ अल्लाह ने क्या कहा मैं उस वक्त मेरे मेरे दिल में कितने शैतानी ख्याल आते मैं ऐसा नहीं करे तो अच्छा था वो ऐसा नहीं करे तो अच्छा था ये नहीं बोला तो अच्छा था वो सब नहीं अल्लाह ताला ने कहा तुम जिस चीज़ को अच्छा समझते हो सकता है वो तुम्हारे लिए बुरा हो मिसाल के तौर पर छोटा बच्चा है भाई सर्दी है बुखार है लेकिन आइसक्रीम सामने से जा रहा आइसक्रीम को देखा तो वो होना बल्कि जिद करता है उस बच्चे को नहीं मालूम वो आइसक्रीम उसके लिए नुकसानदा है लेकिन माँ बाप को मालूम है इसी तरह हम भी समझते हैं फ़लां रिश्ता अच्छा होगा, फलां कारोबार अच्छा होगा, फलां चीज़ मिल गए तो अच्छा होगा फ़लां चीज़ ख़रीद लिए तो अच्छा होगा फ़लां चीज़ खा लिए तो अच्छा होगा हो सकता है तुम समझ रहे ये मेरे लिए अच्छी है लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है हो सकता है वो तुम्हारे लिए बुरी हो इसीलिए अल्लाह ताला वो नहीं दिया तुम्हें हम कई चीज़ों को लेकर अफसोस करते वो मिल गए तो कितना अच्छा रहता था वो जॉब मिल गए तो कितना अच्छा रहता था फ़ला नौकरी कर लिए तो कितना अच्छा रहता था मुझे वो चीज़ नहीं मिली मुझे वो रिश्ता नहीं मिला ऐसा कितनी चीज़ों के बारे में हम सोचते और अल्लाह ताला ताल वो नहीं देता हम दुआ भी करते कई चीज़ों के लिए कि अल्लाह मुझे ये होना अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल कर अल्लाह मुझे फ़लाहलाद होना अल्लाह मुझे बेटा होना ऐसी कई ख्वाहिशात हम करते हैं ना हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हम समझते अल्लाह मेरी दुआ ही कबूल नहीं कर रहा अब मेरी दुआ करने का क्या फ़ायदा रहा नहीं 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 अल्लाह नहीं दे रहा तो हो सकता है तुम जिस चीज़ को अच्छा समझ रहे हो सकता है वो तुम्हारे लिए बुरा हो कई नौजवान लड़कियाँ लड़के ख़ास तौर से हैं किसी से शादी करने का इरादा रखते हैं दुआएं करते हैं रोते हैं मैसेजेस करते हैं कॉल करते मोल साहब हम तो हलाल तरीके से निकाह करना चाह रहे हैं लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा मैं क्या करूं घर में नहीं मान रहे बड़े नहीं सुन रहे परेशान हैं हम लोग अब क्या करना अरे हो सकता भाई तुम जिस चीज को अच्छा समझ रहे हो सकता वो तुम्हारे लिए बुरा हो तुम समझ रहे आज तुम्हें अच्छा लग रहा हो लेकिन नहीं होता हूँ इसीलिए अल्लाह ताली वो नहीं दे रहा हूँ अभी वो चीज तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होंगे शायद दस साल के बाद मिले तो बेहतर होती होंगी इसलिए अल्लाह ताला तर भी कर रहा है कई चीज़ों में जिनको औलाद नहीं हो रही वो लोग ये सोच कोई भी चीज कोई भी चीज हो सकता जिसे तुम अच्छा समझते वो अच्छा नहीं होगा और जिसे तुम अच्छा नहीं समझते थे लेकिन वही तुम्हारे लिए अच्छा होता अरे उन्हें गरीब है अरे उन्हें फकीर है अरे उन्हें फालान जगह रहने वाला है उन्हें ऐसा है नहीं ऐसा है मैं उसके साथ निकाह क्यों करूं हो सकता है तुम जिस चीज़ को बुरा समझते हो सकता है वो तुम्हारे लिए अच्छा हो कई लोग ऐसे अपनी ज़िंदगियों में भी इस चीज़ का मुशाहिदा करते हैं कई लोगों के कई ख्वाहिश होते हैं शादी को लेकर खाली एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर मैं दे रहा हूँ आपको कि नहीं भाई मुझे इतना पढ़ा हुआ इतना पढ़ा लिखा होना इतनी पढ़ी लिखी होना इसी दीनदार होना ये होना इतनी खूबसूरत होना फ़लॉँ फलां, फलां। कई लोगों के कई ख्वाहिशा होते लेकिन निकाह होता उसके ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होता उसके ख्वाहिश के खिलाफ निकाह होता वो चीज वो जो चीज़ मांगा था वो उसे नहीं मिलता मैं इतना पढ़ा लिखा चाहती थी या चाहता था लेकिन वो नहीं मिला मैं ऐसी खूबसूरत चाहती थी या चाहता था लेकिन वो नहीं मिला एडजस्ट करना पड़ा जब तो पसंद नहीं था मजबूरी थी लेकिन मालूम होता शादी के आठ साल पाँच साल दो साल दस साल के बाद अरे ये मेरे लिए बेहतर है हो सकता कि मैं जिसको अच्छा समझता था वो नहीं मिला अच्छा हो गया बाद में मालूम होता उससे निकाह करे तो मेरा कितना नुकसान होता भाई अब मालूम हो रहा मेरे को अल्लाह ताला इस इसके साथ जो निकाह करा इसके साथ मेरे को सुकून की ज़िंदगी गुजर रही उन्हें कितना बुरा था बाद में मालूम होता आपको पाँच दस साल के बाद मालूम होता लेकिन अब जिसके साथ मिला जिसके साथ जो भी मिला अल्हम्दुलिल्लाह अब सुकून की ज़िंदगी गुजर रही ऐसे कई मामलात होते जिसमें हम जिस चीज़ को अच्छा समझते हैं लेकिन वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता इस चीज़ को याद रख लेना जब भी हम दुआ करते हैं नाराज़ नहीं होना मायूस नहीं होना अल्लाह मुझे नहीं दे रहा नहीं दे रहा तो इसके पीछे अल्लाह का इल्म है अल्लाह बेहतर जानता है क्यों नहीं दे रहा ठीक है ना ठीक है अब क्या है भाई देखो अब यहाँ पर एक दो बड़ी मिसालें भी देता हूँ मैं आपको समझ रहे हैं ना अब ये मैं आपको मिसाल सिर्फ शादी की दिया लेकिन आप बीमारी में परेशानी में कारोबार में कहीं पर भी फिट करके ये चीज़ सोच सकते हैं तो अब यहाँ पर एक दो अहम मिसालें हम लोगों को कुरान से मिलती है कैसे एक जाबिर बादशाह जालिम एक बादशाह था जो बुराई के इरादे से इब्राहिम सलाम और उनकी बीवी को रोका था आप इब्राहिम सलाम का वाक़ इससे पहले सुने तो आप लोगों को मालूम होगा इब्राहिम सलाम अपनी बीवी को साथ में लेकर जब जा रहे थे तो एक बादशाह रोक लिया पकड़ लिया और इब्राहिम सलाम की बीवी से जिना करने की इरादे से बुराई करने के इरादे से उनको बुलाता है अलग से और उनकी तरफ हाथ बढ़ हाथ बढ़ाता है इब्राहिम सलाम की बीवी को बुरी नीयत से देखा और बुरा काम करने के लिए आगे भी बढ़ा लेकिन अलहमद ला अल्लाह की मदद थी वो उसमें कामयाब तो नहीं हो सका लेकिन उस वक्त इब्राहीम और उनकी बीवी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत थी और वहाँ पर इब्राहीम आसमाम को एक झूठ भी बोलना पड़ा ये कौन है बोले तो मेरी बहन है बोल के बोले अगर देखा जाए तो ये जो जालिम बादशाह उस वक़्त रोक लिया एक बहुत बड़ी मुसीबत बहुत बड़ी आजमाइश थी इब्राहिम और उनकी बीवी के लिए लेकिन अल्लाह ताला उसी मुसीबत को एक खैर का सबब बना दिया कैसे सारा आलाम के साथ हाजिरा को भी दे दिया कैसे सारा आसम को पकड़ लिया बुरी नीह से आगे बढ़ा लेकिन अल्लाह ताला से वो दुआ करती है तो वह आगे तो नहीं बढ़ सका रुक गया लेकिन तोहफे में हाजिर आलम को दे दिया इब्राहिम सलाम और सारा से औलाद नहीं हो रही थी वही जालिम बादशाह क्या करा तोहफे में दे दिया अपनी बेटी को हाजिर को तुम लेके जाओ तुम कोई नेक लोग लग, मुझे नजर आते हो इसलिए लेके जाओ तो हाजिर आल साम को साथ में लेकर गए हाजिर आलाम से ही इस्मा सलाम पैदा हुए फिर इसमाही की नस्ल से ही हमारे नबी मोहम्मद रसोल सल्हलम तो देखने में पहले एक बहुत बड़ी मुसीबत थी लेकिन उसी मुसीबत से अल्लाह तैर को कैसा निकाला देखो तो ऐसा होता है ये अल्लाह जानता हम नहीं जानते फिर इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने हसद की वजह से कुएं में फेंक दिया ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है अरे कुएं में फेंक देना हो सकता है मर भी जाते वहां पर उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए और उनके वालिद के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है लेकिन वही कुएं में फेंकने को एक सबब बनाया अल्लाह ताला मिस्र पहुंचने का वो मिस्र पहुंचे फिर वहां पर एक बहुत बड़े हदे पर एक बहुत बड़े ज़िम्मेदारी पर फायज़ हुए फिर उसके बाद कितना ज़्यादा लोगों का भी फायदा करें और अपने घर वालों का अपने माँ बाप का अपने भाइयों का फ़ायदा करें कुएँ में फेंके जाना एक बहुत बड़ी मुसीबत है लेकिन उसी मुसीबत से अल्लाह एक खैर को निकाला ये चीज़ हम लोग नहीं जानते जब मुसीबत में होते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद देखो यहाँ तो यूसुफ आल बचपन में फेंके गए लेकिन ख़ैर कब मालूम हुआ ला अकबर पच्चीस तीस साल की उम्र में जवान होने के बाद अलैहिस्सलाम के लिए उनकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा मुसीबतें देखिए वहाँ पर भी वो जेल में गए जेल में जाने से पहले वो एक आजमाइश औरत की तरफ से उस वक्त मुसीबत थी जेल में जाना भी मुसीबत था लेकिन वो जेल में जाना ही उनके लिए फिर बाद में फाइनेंस मिनिस्टर बनने का सबब बना खैर निकला वहां से हो सकता है मेरा जेल में जाना भी हो सकता है थोड़े दिन के लिए मेरे लिए मुसीबत हो लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला उसके अंदर क्या खैर रखा कि मेरे को क्या मालूम तो इसलिए इन मिसालों को याद रख के कोई भी मुसीबत आए हमारी ये सोच हो सकता है अल्लाह इसी से मेरे लिए कोई खैर भी निकालता होगा समझ रहे ना इस तरह हमारी सोच हो ठीक है अब उसके बाद देखिए हर मुसीबत पर मिलने वाले अजर सवाब को पेश नज़र रखना कैसे नबी अलैहि वसलम ने फरमाया मुसलमान को कोई मुसीबत नहीं पहुँचती मगर अल्लाह ने उसकी वजह से उसके गुनाह को उससे दूर कर देते हैं यहाँ तक के चुभने वाले कांटे की वजह से भी सही बुखारी के अल्फाज है और सही मुसलिम में क्या है अल्लाह के रसुल्स वसलम ने फरमाया कोई मुसलमान ऐसा नहीं कि उसे कोई कांटा चुभे या उससे भी बड़ी मगर उसके सब एक दर्जा लिखा जाता है और एक गुनाह मिटा दिया जाता है मुसलमान को जर्री सी भी तकलीफ थोड़ी भी मुश्किल थोड़ी भी परेशानी आई बल्कि मिसाल दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांटा भी चुभता है कांटा चुभना कितनी तकलीफ है छोटी सी छोटी तकलीफ़ या उससे बड़ी कोई मुसीबत कोई परेशानी आई इसकी वजह से अल्लाह ताला एक तो उसके गुना माफ़ करता और उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके दर्जे बुलंद करता तो जब भी मुसीबत आए जब भी बीमारी आए परेशानी आए तंगी आए तकलीफ़ें आए या झगड़े हो उस वक्त अगर मैं ये नीयत रखूँ अल्लाह मेरी इस मुसीबत की वजह से इस टेंशन की वजह से इस तकलीफ़ इस बीमारी की वजह से मेरे गुनाह माफ़ करता मेरे दर्जे बुलंद करता हमारे को ज़र्री मुश्किल आई क्या जर्रा झगड़ा हुआ क्या और रोना आ जाता बड़बड़ बड़बड़ बड़। रोते बढ़ते रोते, रोते बढ़ते अरे रोना नहीं हिम्मत से रहना है हमें क्या बोलना इस मुसीबत की वजह से अल्लाह मेरे गुना माफ़ कर रहा है समझ रहे हैं ना तो बहरियाल इन हदीसों को भी जहन में रखें अब छठवीं चीज़ नमाज और सबर के साथ अल्लाह ताला से मदद मांगना सूर्य बकरा आयत नंबर 45 मुसीबत आने के बाद क्या करना कैसा वस्तईन कबीरतुन इल्ला कबीर खाशीन और सबर और नमाज के साथ मदद तलब करो ये चीज शाक है मगर डर रखने वालों के लिए जब भी मुसीबत आई नमाज और सबर से अल्लाह तला से मदद मांगो ये दोनों चीज़ों को लेकर अल्लाह ताला से मदद मांगो मुसीबत आई परेशानी छोटी सी छोटी बड़ी से बड़ी मुसीबत कुछ भी हो गया फ़ौरन जाओ दो रखत नमाज पढ़ो दिल को तकलीफ ही किसी भी चीज़ से किसी की बात से किसी की हरकत से किसी के इशारों से किसी रिश्तेदार के लड़ाई झगड़े की वजह से कुछ भी गम हुआ भाई फौरन जाओ एक दो रखत नमाज़ पढ़ लो और सब्र कर लो अल्लाह ताला क्या कर तुम बोल रहा मदद करता तुम बोल रहा तुम्हारी उस मुसीबत में अल्लाह मदद करने के लिए तैयार है करने के दो काम है नमाज पढ़ो सबर करो और अल्लाह तला आगे क्या बोला ये असल में ये चीज जो है ना नमाज पढ़ना और सबर करना शाख है यानी मुश्किल है मगर अल्लाह से डर रखने वालों के लिए कोई मुश्किल नहीं ओहो अकबर कितनी बेहतरीन बात मुसीबतें परेशानियों में सबर करना नमाज पढ़ना था लेकिन यह सबसे नहीं होता सब लोग ये काम नहीं करते सबर भी नहीं करते लड़ाई को बराबर लड़ते बात को बात बराबर देते झगड़े को बराबर झगड़ा आगे बढ़ाते सबर नहीं करते सबर मेरे से नहीं होता किसको होता सबर बोलो अल्लाह ताला क्या बोला जो अल्लाह से डरने वाले है इतनी पॉइंट की बातें रहते ना इतनी अहम बातें रहते ना कुरान की अल्लाह ताला का बोलने का और समझाने का अंदाज जो रहता ना वो बड़ा अजीब माशाल्लाह आप इस पर कितना गौर करो उतना तुम्हारे दिल को सुकून मिलता अपने आप से सवाल करो मेरे ऊपर एक मुसीबत आई मेरा बच्चा बीमार हुआ मेरा बच्चा गिर गया या मेरे कारोबार में नुकसान हुआ मेरे को पड़ोसियों से झगड़ा हुआ रिश्तेदारों से झगड़ा हुआ कुछ भी हुआ उस वक्त मुझे करने का क्या काम है दो दो काम एक नहीं दो काम करना एक क्या करना है सबर दूसरा नमाज सबर भी करना नमाज भी पढ़ना नफिल पढ़ लो सबर कर लो अब अगर ये दो काम भी तुम नहीं करे इसका मतलब क्या हुआ तुम अल्लाह से डरने वाले नहीं हो बस अल्लाह ताला ने वजह कर दिया ये मुश्किल है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से नहीं डरते लेकिन आसान है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते मेरे को अल्लाह से डर है भाई मैं झगड़ा नहीं बढ़ाऊंगा मैं अल्लाह से डरने वाला हूं भाई मैं सबर कर लूंगा मैं नमाज़ पढ़ लूंगा जितनी मुश्किल आई उतनी नमाज पढ़ता हूं जितना रोना है मैं अल्लाह के सामने रोता हूं जितना गिड़गिड़ाना है जितना बोलना है जितना मांगना है अल्लाह के सामने सजदे करके नमाज में नमाज में सजदे में जाके रो मैं मांगू अल्लाह से लोगों से नहीं लोगों से झगड़ा करने से मेरा क्या फायदा होगा बात को आगे बढ़ाने से मेरा क्या फायदा होगा दुश्मनी तो बढ़ेगी और क्या होगा तो अल्लाह ताला इस आयत में सूरह बकर आयत नंबर 24 में वाज़े कर दिया सबर करो मुसीबतों में और नमाज पढ़ो सबर और नमाज के जरिए से अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करता आज का गम कल की खुशी में बदल देता अल्लाह ताला आज की परेशानी कल की खुशहाली में बदल देता अल्लाह ताला आज की तंगी कल की आसानी में बदल देता आज की गरीबी कल की अमीरी में बदल देता और आज की तुम्हारी बीमारी कल की सेहत में बदल देता अल्लाह ताला आज के लड़ाई झगड़ों को खत्म करके कल के दिन चैन सुकून की जिंदगी आता करता अल्लाह ताला लेकिन जब तक तुम इन दो चीजों को पकड़ के रखोगे तब लेकिन जब सबर भी नहीं करोगे और नमाज भी नहीं पढ़ोगे सिर्फ शिकवे शिकायतें करते रहोगे लड़ाइयां झगड़े करते रहोगे रोते धोते रहोगे तो फिर अल्लाह की मदद नहीं आती नहीं आती नहीं आती चलो उसके बाद आगे अल्लाह क्या कहता है सबर और नमाज के ज़रिए से अल्लाह की मदद हासिल करना सातवीं चीज़ बहुत ज़्यादा स्तगफार करना मुसीबतें आने के बाद हम लोगों को करने वाले कामों में एक काम बहुत ज़्यादा स्तगफार करना कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अल्लाह से अपने गुनाहों की कसरत से माफ़ी मांगी अल्लाह इसके लिए हर गम से छुटकारा और हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देंगे और अल्लाह ताला वहाँ से रज्जत देंगे जहाँ से उसका गुमान भी ना हो अबूदाउद और मुस्न्द अहमद में रिवायत मौजूद है फिर उसके बाद हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास चार आदमी आए एक आदमी कहत साली की शिकायत लेकर आया और दूसरा फ़ख्र व फाखा की शिकायत लेकर आया तीसरा मुझे लड़के नहीं हो रहे औलाद नहीं हो रही ये शिकायत लेकर आया लेकर आया चौथा बाग़ की खुशहाली का शिकवा लेकर आया चारों भी अलग अलग परेशानियाँ लेकर आए तो हसन बशरी रमतल चारों को एक ही जवाब दिए कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा अस्तगार करो ज़्यादा से ज़्यादा अस्तग पढ़ो चारों को एक ही जवाब मिला जब सवाल हुआ कि आप चारों को एक ही जवाब दे दिए हालांकि चारों अलग अलग परेशानियाँ लेकर आए आपके पास लेकिन चारों को आप एक ही जवाब दे दिए इसका मतलब क्या है तो हसन बसरी रहमतल्लै जवाब में कहते हैं क्या आपने सूर नूह आयत नंबर दस ग्यारह बारह नहीं पढ़ा अल्लाह तला ने सूर नुह की दस ग्यारह बारह में क्या कहता है फकुल्बकुम बनी नजोम अनहारा तर्जुमा इन तीनों आयतों का और मैंने कहा के अपने रब से अपने गुना बख्शवाओ यानि अस्तगार करो और माफ़ी मांगो वो यकीनन बड़ा बख्शने वाला है वो तुम पर आसमान को खूब बरसता हुआ छोड़ देगा देखो अस्तगफार करे तो क्या होता बारिश भी नाजिल होती फिर उसके बाद तुम्हें खूब पे दर पे माल और औलाद में तरक् करेगा औलाद नहीं हो रही स्तगफार करो गरीबी है फकीरी है अस्तगार करो और तुम्हें बाग़ात देगा और तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा ये सब सिर्फ अस्तगफार की वजह से बुला इस आयत को सामने रखते हुए कई उलमा ये बात कहते हैं कि आपको अगर औलाद नहीं होती है जिसको भी औलाद के ना होने की शिकायत है ज्यादा से ज्यादा स्तगफार करें ज्यादा से ज्यादा स्तगार गरीब हैं ज्यादा से ज्यादा स्तगफार करो परेशान है घरों में कारोबार में बरकत नहीं है ज्यादा से ज्यादा स्तखबार करो ज्यादा से ज़्यादा स्तगार करने से अल्लाह ताला औलाद देगा माल देगा बारिश को बरसाएगा कारोबार में बरकत देगा यह स्तबार की फजीलत है लेकिन हम अस्तवार छोड़ दिए पता नहीं और क्या क्या चीज़ें कर लेते हैं तो याद रखो यह हस्त की फजीलत है फिर इसी तरह अस्तगार पढ़ने का मतलब क्या है अस्तगफार करने का मतलब क्या है सिर्फ जुबान से अस्तगफार करते रहो और अमल उसके खिलाफ हो ये नहीं है इसका मतलब अस्तगफार का कौल और अमल से होना सिर्फ जुबान से नहीं होना अमल से भी होना कैसे अमल के बगैर सिर्फ ज़ुबान से अस्तगफार बहुत बड़े झूठों का शेवा है मैं गुनाहों से तो नहीं बचता लेकिन मैं अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ रहा हूँ अल्लाह मुझे माफ़ कर अल्लाह मेरी मगफिरत कर मैं बोल रहा हूँ जुबान से लेकिन खुद गुना करते जा रहा हूँ तो ये झूठा है ये झूठा होने की निशानी है अगर तोबा करने वाला मुरतत था तो उसे मुसलमान बनना चाहिए और नाफरमान था तो उसे अमल साले करने वाला बनना चाहिए और अगर वह बुध परस था तो उसे मवाहिद बनना अस्तबार मैं मुशरक़ का मुशर हूँ और मैं अस्तखबार पढ़ते जा रहा हूँ मवाहिद नहीं बना तो कोई फ़ायदा नहीं है मुर्तद हो गया था अस्तगफार पढ़ रहा हूँ नहीं तू पहले इस्लाम लेके आ कलमा पढ़ फिर उसके बाद अस्तगफार पढ़ा समझ रहे ना और इसी तरह मैं नाफरमान था मैं सूद खाने वाला मैं शराब पीने वाला मैं और गुनाह करने वाला मैं बेनमाजी था और बेनमाजी का बेनमाजी रहा खाली अस्तगफार पढ़ते रहा एक दिन भी फजर की नमाज नहीं पढ़ता खाली तस्बीह लेके अस्तगफार अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बोलते रहता कोई फायदा नहीं होगा अस्तबिर बोले आप तोबा करें इसका मतलब अल्लाह मेरी मफफरत फरमा अल्लाह मुझे माफ कर दे गुनाहों से तुम तोबा कर रहे हो तो फिर उन गुनाहों को छोड़ो और नेकी के काम करो तब जाके तुम्हारे अस्तबार का फायदा होगा सिर्फ जुबान से रट्टा मारने से अस्त का कोई फायदा नहीं होता अच्छा दसवीं चीज तखवा इख्तियार करना दसवीं चीज तखवा इख्तियार करना कैसे सुर तलाक आयत नंबर दो और तीन मुसीबतें या परेशानियां आ जाएं तो अल्लाह से डरते रहना है हमें कैसे अल्लाह ताला कहता है इन दोनों आयतों में सूरा तलाक की आयत नंबर दो और तीन दो का आखिरी हिस्सा मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ जो शख्स अल्लाह ताला से डरता है और अल्लाह इसके लिए छुटकारे की शक्ल निकाल देता है और उसे ऐसी जगह से रोज़ी देता है जिसका उसे गुमान भी ना हो क्या बोल रहा अल्लाह ताला अगर तुम अल्लाह से डर के जिंदगी गुजारो तो अल्लाह ताला छुटकारे का रास्ता निकालता कौन सा छुटकारा मुसीबतें हैं तो मुसीबतों से छुटकारा बीमारियां है तो हैं तो बीमारियों से छुटकारा परेशानियां हैं तो परेशानियों है तो से छुटकारा आपके तमाम गमों से छुटकारे का रास्ता अल्लाह ताला निकाल देता शर्त यह है कि तुम अल्लाह से डरने वाले बनना फिर दूसरी चीज अल्लाह ताला क्या कहता है ऐसी जगह से रिजर्व देता जिसको जिसका तुम्हें गुमान भी ना हो तुम सोच भी नहीं सकती यहां से अल्लाह ताला बरकत देता अल्लाह मेरे घर में बरकत नहीं है मेरे कारोबार में बरकत नहीं है ये परेशानी वो परेशानी तुम अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारो ना तुम पांच टाइम नमाज पढ़ने वाले बनो ना तुम अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखने वाले गीबतें करने वाले ना बनो तुम अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखने वाले बनो झूठ बोलने वाले ना बनो ग़ीबत करने वाले ना बनो गुनाहों से बचो अल्लाह से डरो लोगों का डर नहीं शोहर नहीं देख रहा तो एक गुनाह कर लिए बाप नहीं देख रहा तो एक गुनाह कर लिए अम्मी नहीं देख रही है तो एक गुनाह कर लिए छुपके से चोरियां कर लिए कितने ऐसे गुनाह कर लेते तो तुम अल्लाह से नहीं डरते तो फिर अल्लाह ताला इसी वजह से तुम्हारी मुसीबतें तुम्हें दूर नहीं करता लोग लोग नहीं देख रहे तो गुनाह कर लेते लोगों के सामने नेक बनते कोई भी हो ये कौन सा भी मसला हो हर आदमी अपने आप से सवाल कर रहे हैं मैं ऐसे कितने गुनाह कर रहा हूँ मेरे बड़ों से मेरे रिश्तेदारों से मेरे घर वालों से छुपा के कितने गुनाह हो रहे मेरे से कितना जुल्म कर रहा हूँ हम इन गुनाहों को मामूली समझे जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये मुसीबतें आती हैं लेकिन जब तुम अल्लाह से डरने वाले बनो अल्लाह ताला तुम्हें गमों से निकलने का रास्ता आसान करता हूं और तुम्हारे घरों में ऐसी बरकत देता जहां से तुम गुमान भी नहीं कर सकते अब ये दस चीज़ें हो गई अब दुआएं पढ़ना है आखिरी चीज़ कैसे दुआएं पढ़ना दुआएं पढ़ना वो कौन कौन सी दुआएं बताता हूँ फिर उसके बाद और एक दो चीज़ें हैं ये भी बताता हूँ देखिए दुआएं कैसे पढ़ना है मुसीबतें आने असल में मैं इससे पहले आप लोगों को मुसीबतें आने से पहले कौन सी दुआएं पढ़ना ये बताया था अब मुसीबतें आने के बाद कौन सी दुआएं पढ़ना ये भी बताऊंगा देखिए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह कहते हैं व हसबून वकील ये इब्राहिम अलैहि सलाम ने उस वक़्त कहा था जब उनको आग में डाला जा रहा था और यही कलिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त कहा जब कुरैश ने कहा था कि तुम्हारे खिलाफ़ बहुत बड़ी जंग सामान यानि बहुत बड़ी जंग के लिए सामान जमा किया जा रहा है यानि तुम्हारे से अब जंग होने वाली है जब मक्के के मुशरिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये डरा रहे थे ये बोल रहे थे अभी जंग होने वाली है कुरैश पूरे तुम्हारे खिलाफ़ सामान्य जंग तैयार कर रहे हैं उस वक्त भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा व निअमल वकील हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है इब्राहिम आसमाम भी आग में जब डाले जा रहे थे उस वक्त यही पढ़े तो हम भी जब कभी भी कोई भी मुसीबत कोई भी तकलीफ़ कोई भी परेशानी कोई भी दुश्मनों का डर खौफ कुछ भी हो उस वक़्त ये पढ़ लेना तुम्हारे ख़िलाफ़ ये साजिश होने वाली है तुम्हारे ख़िलाफ़ ये दुश्मन ये प्लानिंग कर रहा है अभी तुम्हारे को फलां डर होने वाला है हो सकता ये होता हूँगा वो होता हूँ ऐसा जो भी खौफ जो भी गम जो भी डर है ना उस डर से पहले ये कसरत से पढ़ो हंसबूल अमलवकील मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है कोई कुछ भी साजिश करे कोई कुछ भी दुश्मन करे हम क्या करते है? हम डर जाते है? हाँ उन्होंने रिश्तेदार आ मेरे खिलाफ साजिश कर रहे कते मेरे खिलाफ क्या कि बोल ले रहे कथे मेरे खिलाफ क्या कि जादू करा रहे कते क्या करते कि क्या है कि डरने की ज़रूरत नहीं मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है पूरी दुनिया मेरी दुश्मन बन जाए कोई मसला नहीं मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है इस चीज़ को हर डर से पहले हर खौफ से पहले हमें पढ़ते रहना चाहिए डरने की ज़रूरत नहीं ख़ासतौर से हमारे बच्चियाँ हर छोटी छोटी बातों को डरते रहते हैं डरने की जरूरत नहीं जब ये बोलो इसका तर्जुमा जहन में सोचो मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है कोई शैतान कोई बुरी नज़र कोई जादू कोई जिन कोई पुलिस वाला कोई अल्लाह का दुश्मन कोई इस्लाम का दुश्मन कोई मेरा कुछ भी नहीं कर सकता मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है बस हसबून अल्लाह वकील ये कहना चाहिए ठीक है फिर इसी तरह हमारे लिए अल्लाह हर गम में मुबिला करने वाली बात के मुकाबले में काफ़ी है और ये बेहतरीन कारसाज है ठीक है ना तो बहरियाल ये बित शुदा अजकार जो पढ़ना है मैं इससे पहले भी बोला कई अजकार ऐसे हैं जो साबित शुदा नहीं है यानी किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है ऐसे कई लोग कई अजकार जो यूट्यूब पे फैला के रख दिए देखता हूँ तो कभी कभी अफसोस होता है इतना अफसोस होता हर चीज़ का कोई ना कोई एक जिक्र निकाल के रख दिया उन्हें बोलते रहता लोग पढ़ते रहते औरतं पढ़ते रहते हाँ भाई इसका ये जिक्र करते इसका ये जिक्र करते एक औरत मेरे को व्हाट्सअप पर भेजी एक वीडियो और सवाल कर रही थी कि ये जो वीडियो में इस तरह बता रहे ऐसे कई वीडियोस भेजते रहते लोग ये सही है क्या हालांकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता वो वीडियोस देखो, लेकिन वो शार्ट वीडियो था देखेंगे भाई निकाल के देखा तो नमाजों के ताल्लुक से बड़े बड़े मोलवियाँ बड़े बड़े दाड़ियाँ इनका खाली नाम से मशहूर हो हैं इन लोगों हम बोले तो अब अरे इन्हों गलत बोलते कि बोल के अमल कर लेते खजाना ज़िंदगी में कितने भी नमाज छोड़ दिए होंगे अब तुम्हारे को क्या करना खाली रमज़ान की वो आखिरी जुमा या पहली जुमा कुछ तो भी बता रहा था वो जुमा को इतनी दो रकात या चार रकात कुछ तो भी नमाज़ पढ़ना उसमें हर सुरह फातिहा के बाद इतनी मरतबा ये सूरा पढ़ना ये दुरूद पढ़ना बस ये एक बार अगर आप पढ़ लिए सात सौ साल भी अगर तुम नमाज नहीं पढ़े तो अल्लाह माफ़ करता है ऐसे ऐसे झूठी बातें ऐसे ऐसे झूठे अजगार लोगों को सिखा रहे हैं क़ुरान सुन्नत से दूर जितने भी लोग हैं ना सही आकीदे से जितने भी लोग दूर हैं ना जितने भी लोग अपने इमामों को बड़ों को पकड़ के बड़ों और बुजुर्गों के आखिसे कहानियाँ सुनते हुए उनके मसलों पर चलते ना वो सब ये गलत अमाल कर लेते सब के सब ये गलतियों में डूबे हुए हैं झूठ वो भी क्या बोल रहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये रकात ये नमाज ये महीने में इतनी मरतबा पढ़े तो माफ हो जाता नौ अल्लाह के रसूल नहीं बोले सब बात झूठी बात नबी का नाम लेके झूठी बातें बोलते लोग तो याद रखो हर चीज से पहले हम लोगों को तहीक कर लेना है ठीक है ना अच्छा साबित शुदा अजगार में से यून सम की दुआ भी है कौन सी दुआ भाई ला इंतुबैन इला का इन्नी कुंतु मिनिमिन सूरा अम्बिया आयत नंबर एटी सेवन एटी एट अगर आप निकाल कर देखेंगे अल्लाह ने क्या कहा फनादा वजनबम फ़ि इल्ला अल्लांतुबैन का इन्नी कुन्तु मिना मछली वाले यून सलाम को याद करो जबकि वो गुस्से से चल दिया और ख्याल किया कि हम उसे न पकड़ सकेंगे बिलाखिर वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठा कि इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तू पाक है बेशक मैं जालिमों में से हो गया यूनुस अपने कौम से नाराज होके जा रहे थे अल्लाह नहीं पकड़ता अल्लाह ने कहा वो समझा कि हम नहीं पकड़ेंगे मछली निकल ली तो अब मछली के अंदर से अल्लाह तला ने यहां पर क्या कहा अंधेरों के अंदर से पुकारा सलाम एक तो वो समंदर के पानी का अंधेरा रात का भी अंधेरा हो सकता है मछली के पेट के अंदर वो एक अंधेरा उतनी अंदर जाने के बाद भी यून साम दुआ कर रहे हैं क्या दुआ करे ला इलाहा इला सुभानक इन्नी कुंतु मिनिमी अगर आप इस दुआ पर भी गौर करेंगे ना बहुत अहम दुआ है इसमें हमारे लिए बहुत सारी नसीहतें भी मिलती क्या बोले यूनुस सल साम सबसे पहले या अल्लाह तेरे सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं तू पाक है ला इला सबसे पहले क्या बोले ला इला अल्लाह तेरे अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं अंत सुबहानक अल्लाह तू पाक है इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन अल्लाह ज़ालिम मैं हूं तो क्या मालूम हुआ यहां पर सबसे पहले जब हमसे कोई नाफरमानी होती ना कोई गलती होती ना तो हम अपनी गलती को मानने वाले बनना है कलमा पढ़े अल्लाह तेरे अलावा कोई हकीक माबूद नहीं तोहिद बयान करे फिर उसके बाद अंत सुबहानक तू पाक है अल्लाह मतलब क्या है इसका अल्लाह तू जो फैसले करता ना तेरे फैसलों में तू तो गलत कभी भी नहीं हो सकता तू पाक है अल्लाह तेरे फैसले भी सही है अब मैं मछली के पेट के अंदर हूँ तो ये मेरी गलती है तेरी गलती नहीं है हम क्या बोलते हैं अल्लाह मैं तो अच्छा हूं ना मेरे को ये परेशानी कहीं को इसका मतलब यह है कि अल्लाह तू गलत करा मेरे को परेशानियाँ दे के ये बोल रहे हैं हम अल्लाह मुसीबतें दे के तू गलत करा मेरा बच्चा क्यों बीमार हुआ अल्लाह बोले तो इसका मतलब अल्लाह तू गलत करा मेरे बच्चे को बीमार करके अल्लाह मुझे गरीब क्यों पैदा करा बोले तो अल्लाह गलत करा ना उस बिल्ला तुम्हारे को गरीब बना के हो सकता है तुम्हारे को अमीर बनाए तो तुम अल्लाह के बागी बनते होंगे हो सकता पैसे के घमंड में आके तुम मुशरिक बनते होंगे इस्लाम से मुर्तद हो सकते होंगे इसलिए अल्लाह तुम्हारे को गरीब बनाया हर चीज में हमारी सोच बदले ना दिल को सुकून मिलता तो यहां पर यून साम की तो अल्लाह तू पाक है तेरे फैसलों में तू पाक है तो मेरे लिए अभी जो भी इंतज़ाम करा जैसा भी रखा फिर भी अल्लाह तू सही है गलत मैं हूँ मैं ालिम हूँ अल्लाह तो इससे एक सबक हमको ये भी मिलता है हर इंसान हमेशा ये आयत को भी याद रखे यूनू सलाम की दुआ को याद रखे हम सबसे पहले हमारी अपनी गलतियों को मानने वाले बन जाएं हमारे घरों के झगड़े भी खत्म हो सकते तुम सही हो सकता मैं गलत हूँ यूनूल सलाम कोई बोले ना अल्लाह तू सही हो सकता मैं गलत हो सकता नहीं बोले मैं ही जालिम हूँ बोले मेरी क्या गलती है ये मैं देखना ना यूनुस अलैहिस्सलाम बोल सकते थे अल्लाह मैं तो तेरा नबी हूँ अल्लाह मैं तेरे ए, पूरी कौम को समझा के आया उन्होंने नहीं माने बोल के उससे से निकल गया मैं मेरी क्या गलती है अल्लाह मेरे कुछ मछली निकल ली अल्लाह आजाब तो उनके ऊपर आना ना अगर ज़ाहरी तौर पर देखे तो वो कौम अल्लाह को नहीं मानी उनके ऊपर अल्लाह का अजाब आना था लेकिन अजाब उनके ऊपर नहीं आया मछली यूनुस अलैहिस्सलाम को निकली हालांकि तौहीद की दावत दे के निकले ज़ाहरी तौर पर देखे तो यहाँ पर यूनुस अलैहिस्सलाम की कोई गलती नहीं नजर आ रही गलती कौम की है लेकिन कौम अभी तक सही सलामत है यून सलाम को मछली नहीं गली तो हम हमेशा अपनी ग़लती मानने वाले बने हैं अल्लाह मैं गलत हूँ मुझे नहीं मालूम हमारा शायद मेरी गलती लेकिन हो सकता है मेरी ग़लती होंगी हर मामले में आप अपनी ग़लती को पहले मानने वाले बन जाओ मसले ख़त्म हो जाते वहीं पर अल्लाह ताली की मदद भी आती फिर वहाँ पर अल्लाह मैं गलत हूँ अल्लाह तो पाक है और हदीस में भी है ना यह अफ़ाज के साथ जो भी दुआ मांगेगा अल्लाह तला उसकी दुआ को कबूल भी करता है ये ये आयत पढ़ना है दुआ में हम जब भी दुआ पढ़ते ना ला इलाहा लाला है नीक तुम इन्हना जालमिन ये अल्फाज के साथ तुम दुआ मांगो हम दुआ मांगना छोड़ दे के हम वो बच्चों को बुला के मदरसे के बच्चों को बुला के आयत करीमा में पढ़ने लगा थी चिंजों के ऊपर गुटलियाँ के ऊपर पढ़ा के तुम पढ़ो बच्चों हम नहीं पढ़ते हम खाना बनाते हैं मदरसे के बच्चों के लिए हम खाना बनाते घर की ओपनिंग के लिए आए जब हम लोग हम बिरयानी बनाते बच्चों के साथ पढ़ा तुम पढ़ो तुम जाओ नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पढ़ो यूनुस अलैहि सल्लम खुद पढ़े ख़ौम के लोगों को बुला के वहाँ के मदरसे के बच्चों को बुला के नहीं पढ़ाए हमारे नबी भी नहीं पढ़ाए मदरसे के बच्चों को बुला के लोग क्या बोलते अरे कुरान की आयत ही तो पढ़ रहे ना भाई कुरान पढ़ना गलत है क्या हजार बार बोलते हैं हम लोग बार बार बोलते हैं कुरान की आयत पढ़ना गलत नहीं है लेकिन कुरान की आयत नबी कैसा पढ़े तुम वैसा पढ़ो भाई हमारे नबी कैसा पढ़ने का तरीक़ा सिखाए वैसा पढ़ो भाई हम भी बोल रहे ला ला का पढ़ो अपनी दुआओं में पढ़ो जायज़ है हर मुसीबत में पढ़ो जायज़ है लेकिन तुम पढ़ो मदरसे के बच्चों को बुला के मत पढ़ाओ खाने की दावत दे के मत पढ़ाओ चिंचों पे मत पढ़ाओ गुटलियों पे मत पढ़ाओ घर की ओपनिंग दुकान की ओपनिंग के लिए उस वक्त मत पढ़ाओ तुम्हारी मुसीबत तुम्हारी परेशानी में तुम्हारी दुआओं में तुम पढ़ो ये ला इलांत सुबहाना का इनकुन तुम आज वालमी ये सही होगा ठीक है अच्छा उसके बाद दरूद दरूद भी पढ़ने से मुसीबतें दूर होती है कैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से यह हदीस में है उबै बिन तिरमिजें हैं उब रजील कहा अल्लाह के रसूल मैं दुआ में कितना हिस्सा आप पर दरूद के लिए निकालू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितना आपकी मर्जी सवाल कर रहे मैं जब दुआ करता हूँ इसमें दरूद कितना पढ़ू साहबी पूछे अल्लाह के रसूल बोले तुम्हारी मर्जी कितना पढ़ना चाहे उतना पढ़ो तो साहबी बोले एक चौथाई एक चौथाई ट्वेंटी फाइव परसेंट अल्लाह के अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ज़्यादा पढ़े तो तुम्हारे लिए बेहतर है तो उसके बाद बोले आधा पढ़ूं यानी दुआ अगर मैं दस मिनट की मांग रहा हूं आधा पाँच मिनट अगर दरुद पाँच मिनट दुआ ऐसा करूं क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और भी अगर ज़्यादा करो तो आपकी मर्ज़ी और अच्छा है तो बोले अल्लाह के रसूल अगर मैं पूरी दुआ में आप पर दरूद ही पढ़ता रहूं तो क्या ये जायज़ है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम पूरी दुआ में सिर्फ दरूद ही पढ़ते रहोगे तब तुम अपने गम से किफ़ायत किए जाओगे और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ होंगे है में हदीस अगर पूरी दुआ में दरूद ही पढ़े तो तुम्हारे को जो परेशानी है जो गम है जो मुसीबत है अल्लाह ताला वो मुसीबत भी दूर कर देता और दूसरा तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देता इसलिए दरूद ज्यादा से ज़्यादा पढ़ना है फिर इसी तरह आयश रज़ी कहती है नबी करीम सल्ला ने अपने अहले ख़ाना को जमा किया यानि जितनी भी बीवियाँ थी अल्लाह के रसोल वसलम की उनको जमा किया फिर उसके बाद अल्लाह के रसोल सल्ला ने कहा जब तुम में से किसी को गम या दुख पहुँचे तो उसे चाहिए उस वक़्त वो ये कहे अल्लाह अल्लाह रबी ला उशरी को भी तर्जुमा इसका अल्लाह अल्लाह मेरा रब है मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता अब दाऊद की रिवायत गम और मुसीबत में पढ़ने की एक दुआ ये भी है जो सही से साबित है फिर इसी तरह असमा बिनते उमेस रजी अल्लाह कहती हैं मैंने अपने कानों से नबी करीम सल्लाम को फरमाते हुए सुना जिस शख्स को कोई परेशानी या कोई गम या कोई बीमारी या सख्ती पहुँचे तो वो उस वक्त कहे अल्लाह रब्बी ला शरीक ला, तो वो दूर की जाएगी सही बुखारी में और तबरानी में ये रिवायत मौजूद है छोटी छोटी दुआ है हर तंगी हर परेशानी हर मुसीबत में पढ़ने की ये दुआ है उसके बाद इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तुन कहते हैं बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम के वक्त कहा करते थे ला इलाजीमलीम ला इला रबरशीम लाला रब्बत व रबल व रबाल अरशल करीम तर्जुमा इसका नहीं है कोई महूद मगर अल्लाह बहुत बड़ा बहुत तहमुलवाला नहीं है कोई मबूद मगर अरश अजीम का रब नहीं है कोई आसमान आसमानों जमीनों के रब और अरश करीम का रब सही बुखारी की रिवायत है फिर उसके बाद अनस रजील कहते हैं जब नबी करीम सल्ला वसम को कोई सख्त मुश्किल पेश आती तो आप कहा करते थे या हयू या क्यूम बिरहमति का अस्तिस छोटी दुआ है ये तो जब भी कोई मुसीबत जब भी कोई मुश्किल जब भी कोई परेशानी आए या हयू या क्यूम रहमत का आए जाती और दायमी ज़िंदगी वाले आए सब चीज़ों को क़ायम रखने वाले और ख़ुद सबसे बेनियाज मैं तुझ से ही रहमत की रहमत की मदद तलब करता हूँ तो बहरहाल ये कुछ अजकार हैं इन अजकार को पढ़ने से भी मुसीबतें दूर होती हैं अब ग्यारहवीं चीज़ अपने से बड़ी आजमाइशों में मुब्तिला लोगों को याद करना एक दो बातें हैं इन वो दो बातें बोल दे के अपनी बात को ख़त्म कर दो मुसीबतों में करने वाले काम मुसीबतें अगर आई परेशानियाँ आई इन अजगार के साथ साथ हमेशा याद रखो अपने से बड़े आजमाइशों में जो मुबतला लोग हैं, उन्हें याद करना इससे हमारी मुसीबतें आसान हो जाती इंतहाई अहम बात है ये तो याद रखो इसको आप आजमा के देखो कभी है आप अमल करने वाली चीजें बता रहा हूं मैं ये खाली सुनने वाली चीजें नहीं बता रहा हूं ये सब अमल करके देखो आप आपकी जिंदगी में कितनी खुशी कितना सुकून रहता हदीस सुना के बाद में वाजे करता हूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने से नीचे वालों की तरफ देखो ऊपर वालों की तरफ ना देखो इस वजह से तुम अल्लाह की नेमतों को हकीर न समझोगे सही मुस्लिम की रिवायत अल्लाह क्या बोले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने से नीचे वालों की तरफ देखो और अपने से ऊपर वालों की तरफ ना देखो क्यों इस तरह अगर तुम देखोगे इस वजह से अल्लाह की नेमतों को हकीर ना समझोगे अगर तुम इसका उल्टा करोगे तो इसका मतलब तुम अल्लाह की नेमतों को हकीर समझ रहे बात नहीं, नहीं समझ में आ रही मिसालों से मैं समझाता हूँ यह कितनी अहम हदीस बोले हमारे नबी वसल्लम ठीक है भाई मेरे को अल्लाह ताला जितना भी माल दिया जितना भी घर दिया ठीक है एक तीन शर्ड का घर मुझे मिला अगर मैं अपने से ऊपर वालों को देखूंगा अरे उनको बड़ा बंगला मिला मुझे क्यों नहीं मिला इसका मतलब क्या है यह खाली हसद नहीं है यह सिर्फ जलन नहीं है बल्कि यह अल्लाह ताला तुम्हारे को जो नेमत दिया उस नेमत को तुम हकीर समझ रहे ये गुनाह हो रहा आपसे अल्लाह तुम्हारे को टीन शेड़ का घर तो दिया ना कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी झोपड़पट्टी में जिंदगी गुजार रहे तो उनसे बेहतर है ना ये नेमत मिली ना अल्लाह की फिर तुम उसको आखिर समझ रहे ठीक है जिसको झोपड़पट्टी भी नहीं मिली कोई किराए के घर में रह रहा उससे तो तुम बेहतर है ना तुम्हारा ओन टीन शेड़ का घर है ठीक है किसी को वो किराया का मकान भी नसीब नहीं है कई लोग ऐसे हैं जो बस स्टैंडों में फुटपाथ पे सो रहे ना उससे तो तुम बेहतर है ना तो तुम अल्लाह की नेमत को आखिर समझ रहे ठीक है किसी को टी वो फुटपाथ पे भी सोने की जगह नहीं है बल्कि कई लोग ऐसे हैं जो जेल के सलाखों के अंदर है तुम तो आजाद हो ना उनसे तो तुम बेहतर हो ना अल्लाह तुम अल्लाह की नेमत को आखिर समझ रहे कई लोग अपनी जिंदगी अपने जो भी क्या बोलते भी नेमतें अल्लाह उनको मिली उन तमाम चीजों को लेकर हमेशा ना शुक्रिया ना शुक्री ना शुक्री करते तुम उसकी ना शुक्र नहीं कर रहे तुम की कर रहे तुम्हारे शोहर को लेके तुम ये समझते हैं अल्लाह ऐसा कैसा शोहर मिल गया अल्लाह ऐसा कैसा घर मिल गया ये शिकवे शिकायतें असल में तुम्हें अल्लाह की ना शुक्रा बना रही है अल्लाह की ये जो नेमत है ना तुम्हारे पास अभी शोहर की शक्ल में घर की शक्ल में पैसे की शक्ल में औलाद की शक्ल में गाड़ी की शक्ल में जो भी उस नेमत का तुम इनकार कर रहे तुम उसकी नाशुरी कर रहे उसको हकीर समझ रहे अल्लाह तुम्हारे को जो दिया उसको हकीर समझ रहे तुम इस एक मसले को याद रखो मेरी माँ बहनों मेरे भाइयों तुम्हारे घरों के सारे मसायल ख़त्म हो सकते ठीक है भाई मेरे को जो भी शोहर मिला मेरे से नीचे वालों को देखने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर हुक्म दिए कैसा शोहर मिला किसी को शराबी शोहर मिला मेरा शोहर शराबी तो नहीं है ना किसी को मारने वाला शोहर मिला लेकिन मेरे को मारने वाला शोहर तो नहीं मिला ना। किसी को जहेज लेके बार बार तंग करते हुए बार बार ससुराल से झगड़ा करते हुए हर बीमारी हर मुश्किल हर परेशानी में भेजते हुए ससुराल वालों का खाने वाला शोहर मिला लेकिन मेरे को वैसा शोहर तो नहीं मिला ना आप सोचो आपको कौन सी नेमत मिली किसी को तलाक हो गई मेरे को तलाक तो नहीं हुई ना कोई बेवा बन गई मैं बेवा तो नहीं बनी ना कोई मुतल बन के कई सालों से घर में पड़ी है उसको शोहर नहीं मिला वो उसके इसके घर में कामां करते हुए वो कंपनी में ये कंपनी में इसके घर में बर्तन साफ करके उसके घर में साफ करके बीड़ियां मनाते हुए कहाँ कहां धक्के खाते हुए महीने को दो तीन हजार कमाते हुए कितनी मुश्किल से जिंदगी गुजार रही बिचारी लेकिन मेरे को वैसे शोहर तो नहीं है ना उससे तो मेरी जिंदगी बेहतर है ना मैं बेवा तो नहीं बनी मैं यतीम तो नहीं बनी अल्लाह तौ मेरे को ये शोहर की शक्ल में जो भी दिया लेकिन अलहदुल्ला अच्छा ये बेहतर है ना आप सोचो तो सही अपने से नीचे वालों को सोचो उनकी जिंदगियां कैसी गुजर रही उनसे मेरी जिंदगी तो बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह सुकून की नींद सोगे लेकिन जब आप अपने से ऊपर वालों को देखेंगे ना अरे उनका शोर खाली उंगलियों पे नाचता खाली इशारा करे तो जो बोले वो लाके देता ऐसा करता वैसा करता मेरे को वैसा क्यों नहीं मिला बोले तो इसका मतलब एक तो तुम शोहर की भी ना शुक्री कर रहे और अल्लाह ताला तुम्हारे को जो नेमत दिया इस शोहर की शक्ल में तुम अल्लाह की नाशुक्री भी कर रहे हैं अल्लाह के ना बन रहे जिसकी वजह से तुम्हारे दिल में भी सुकून नहीं रहा तुम्हारी जिंदगी में भी सुकून नहीं रहा हमेशा रोते धोते रहते बस अल्लाह ताला औलाद दिया जैसे भी है अल्हम्दुलिल्लाह जिनको बिल्कुल भी औलाद नहीं है उनकी क्या हालत होगी और औलाद जिनको नहीं है वो भी शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का अल्लाह कई लोगों को औलाद दिया लेकिन ऐसी औलाद दिया वो आज रो रहे अल्लाह तो ऐसी औलाद नहीं दिए तो अच्छा था जुल्म कर रहे मां बाप को तरसा रहे करोड़ों रुपए जमा के रखे सो मां बाप को घर से निकाल के रेलवे स्टेशनों पर भीख मांगने के लिए लगा दिए मार रहे सता रहे जुल्म कर रहे अल्लाह को औलाद देने से औलाद ना देना अच्छा है औलाद नहीं भी दिया तो वो अल्लाह का शुक्र ही अदा करे अल्लाह तेरी मर्जी जब देना है जब अल्लाह का शुक्रिया अदा करो जो मिला जितना मिला उतने में अल्हम्दुलिल्लाह तो चैन व सुकून की जिंदगी मिलती अपने से ऊपर वालों को देखेंगे ना कभी सुकून नहीं होगा याद रखो कभी सुकून नहीं होगा तो बहरे ऐसी मिसालें दो तो बहुत सारी हैं तो हर मसले में हर मसले में हर परेशानी में हर मुसीबत में हर बीमारी में हर तकलीफ में हर टेंशन में हर लड़ाई में हर झगड़े में आपकी हमेशा यही सोच हो मैं घरों के मसलों पे बहुत ज्यादा बोलता हूँ क्योंकि मेरे को वो मसले बहुत सारे सामने आते हैं कई बहनें रोती शिकवे शिकायतें करती उनके मसले बयान करके एक एक बार तो ऐसा लगता है कि जब वो बहनें रोते हुए उनके शोहरों के या उनके सासों के उनके घर के जो कहानियां सुनाती ना मुझे रोना आ जाता इतनी ज्यादा परेशान गुजारती बेचारी जिंदगी तो ऐसे लोगों को देख के अपनी जिंदगी उनसे बेहतर है ना बोल के सुकून की जिंदगी गुजारना मैं हर चीज में जैसा बोला वही सच होना मैं जैसा चाहता हूं जैसी चाहती हूं मेरे को वही सच होना बोले तो ये जिंदगी फिर ज़िंदगी नहीं बनती वो सब जन्नत में मिलेगा तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा वो जन्नत में होगा दुनिया में नहीं होगा किसी को शोहर अच्छा नहीं मिला तो किसी को सास अच्छी नहीं मिली तो क्या करें वो उनसे भी ज़्यादा जालिम लोगों को देखें कई लोग हैं जिनको सासाम बड़े ख़तरनाक मिले किसी को नंदा ख़तरनाक मिले किसी को ससुर खतरनाक मिला कैसे कैसे जुल्म सह रहे कैसे कैसे लोग खुदकुशियां करके मर रहे उनका जुल्म न सहते हुए बर्दाश्त ना करते हुए अरे वैसी ज़िंदगी मेरे को तो नहीं मिली ना भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को जितना फ्रीडम मिला मेरे को जितनी नेमतें मिली अल्लाह ताला की दी हुई शोहर के मिलने से पहले मेरी ज़िंदगी कैसी थी शोहर के मिलने के बाद कितनी खुशियाँ मेरे पास आई एक एक छोटी चीज़ भी अगर औरत सोच ले ना उसकी ज़िंदगी में चैन सुकून आ जाता हमारी बच्चियाँ ये चीज़ नहीं समझ रही जिसकी वजह से लड़ाइयाँ झगड़े घर को जहन्नम बना के रख लिया आज एक जरा सी बात शोहर की अगर आ गई कहीं से गुस्सा कर दिया कुछ बोल दिया क्या भी हो गया तो पूरा लान तान फलां 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 फलाम घर को जहन्नम बना के रख लिए ये पटक लिए वो पटक लिए इसको गालियां दे दिए उसको गालियां दे दिए मैके में जाके बैठ गए मैं नही रहती मैं चले जाती बोल के जिद कर रहे रो रहे तलाक तक नौबत आ रही पंचायतें कर ले रहे एक चीज खाली है, एक फार्मूला है सही मुस्लिम की एक एक हदीस पर आप गौर कर लो शोहर न मिलने से बेहतर है कि ये जो शोहर मिला वो मेरे लिए कितना अच्छा था मेरी जिंदगी में जब शोहर नहीं था तो मेरी रातों की नींदें कैसी गुजरती थी तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं रखेगा तुम्हारी मां तुम्हें नहीं रखेगी बहुत बोले तो महीना दो महीने मोहब्बत बताते होंगे उसके बाद कोई मोहब्बत नहीं बताता याद रखो ये या आजमा के देख लो आप कितनी भी ज्यादा मोहब्बत करने वाली माँ बाप भाई हो लेकिन जब शोहरों को छोड़ के तुम घरों को जाके बैठते ना वो मोहब्बत नहीं मिलेगी और तुम्हारे बच्चों को जो बाप की मोहब्बत और दादा दादी की मोहब्बत जो तुम्हारे शोहर के घर में मिलती ना वो तुम्हारे बच्चों को मामू से मोहब्बत नहीं मिलती नाना नानी से मोहब्बत नहीं मिलती याद रखो नहीं मिलती बाद में रोते औरतें फोन करके इतनी मेरे सामने आके कई मरतबा कई औरतें एक तो सामने बैठ के भी रोते हुए बोलती कभी फोन कल पे गलती हो गई फयाज भाई एक औरत तो बोल रही थी गलती इतनी बड़ी हो गई मेरी ही गलती थी उस वक्त में मेरी माँ की बातों में या किसी की बातों में आके गलती करी थी अब जाके मेरे शोहर बैठे थे घर में जाके उसके पैरम पकड़ के लटकी पैरम पकड़ के ऐसा पैर पकड़ के माफी मांगी तो लात मार के चले गया मेरा शोहर रो रही आज में रही शोहर होना बोल के तुम्हारी गलती फ्यूचर के लिए बहुत खतरनाक है बहुत ख़तरनाक हो सकती है अपनी ज़िंदगी हम बर्बाद कर लेते ये छोटे छोटे हमारे नबी के बतलाए हुए तरीक़ों को नहीं समझ के आज हमारे बच्चे बच्चियाँ माँ बाप को ज़रूरत है ये सब चीज़ें समझा के भेजें अपने से नीचे वालों को देखो नीचे वालों को देखो सुकून की ज़िंदगी गुजरती है अल्हम्दुलिल्लाह, चैन की ज़िंदगी गुजरती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल बारहवीं और आखिरी चीज़ हर तंगी के साथ आसानी होने को याद रखना ये मैं जितनी भी मुसीबतों की बातें बुलाना अल्लाह अकबर हर मुसीबत के लिए अल्लाह ताला के बतलाए हुए और अल्लाह के रसूल के बतलाए हुए कितने तरीक़े हैं माशा हर तंगी के साथ आसानी होगी यह भी आपको ख्याल रखना है दलील जिसको सूर जिसको हम सूर शराह भी बोलते हैं अलम न शरा पढ़ते ना कभी तर्जुमा पढ़ के देखो फा इन न माल उरी युसरा इन माल उरी युसरा बस यकी मुश्किल के साथ आसानी है बेशक मुश्किल के साथ आसानी है अल्लाह ताला, ताला ने दो मरतबा बोला यक़ीनन मुश्किल के साथ आसानी है बेशक मुश्किल के साथ आसानी है मैं क्या क्या समझाऊँ अल्लाह अकबर इन बातों को ऐसा दिल करता है कि अगर मैं बैठ के कहीं पर दर्श देता ना ये आज का दर्श आज जो बोला ना इसको दो से तीन घंटों में मैं बोल सकता हूँ समझा के बोलना है तो कितनी अहमत छोटी छोटी आयत अलम नश्र का सदरक वन का विजरक अल्लज़ी का हरक कितनी मरतबा पढ़ते उस्री ताला। इतनी पढ़े लेकिन कभी आया तर्जुमे के साथ पढ़े कभी गौर करे मुश्किल के साथ आसानी हाँ, लाता ला बोला दो मरतबा समझाया मतलब क्या है अब मुश्किल है ना थोड़े दिन सबर कर लो बाद में आसानी होगी अब परेशानी है ना अब तकलीफ है ना अब टेंशन है ना अब बीमारी है ना इस बीमारी इस टेंशन के साथ आसानी भी होगी सब्र तो कर नमाज और सब्र के जरिए अल्लाह की मदद तो हासिल कर हम जज्बाती शादी हो के चार साल हो गया शादी हो के पांच साल हो गया सुकून ही नहीं है शादी हो के छः महीने हो गया सुकून ही नहीं है अल्लाह ताला बोला हमेशा मुश्किल के साथ जिंदगी नहीं गुजरती मुश्किल के साथ आसानी होती थोड़ा सब्र तो कर ले शोहर की तनख्वाह भी बढ़ती होंगी सबर तो कर ले सास आज है कल मर जाती होंगी सबर तो कर ले हाँ है ना सास की परेशानी सबर तो कर ले हर मुश्किल के साथ आसानी होगी नंदे हैं कल उनकी शादी होके चले जाती है हर मुश्किल के साथ आसानी होगी आज शोहर देवरों के शादियां नहीं है बोल के मिल है कल अलग करता हूँगा सबर तो कर ले मुश्किल के साथ आसानी होगी नहीं अब बिच होना मेरे को अब बिच सामने दिखना मैं बोलते मेरे को आसानी होना अल्लाह तला फार्मूला सिखाया यहाँ पर हर मुश्किल के साथ आसानी होगी तो ये है मुसीबतें आने के बाद करने वाले काम तो इन बातों पर अगर हम अमल करेंगे जिंदगी सुकून से गुजरेगी उम्मीद है कि बातें समझ में अब समझ में भी आ गई होंगी अल्लाह हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक भी दे आमीन या रबालमीन जिजकल्लु खैर व रहमतुल्लाहि व बरकातहू